हेलो गाइज, तो गाइज यूट्यूब के बिग अपडेट आया, 6 अपडेट आया, यूट्यूब के बहुत ही अच्छे अपडेट आए हैं, तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बारी बारी में आपको बताऊंगा, क्योंकि मैंने कंप्लीट इसके ऊपर लिखा है जो भी यूट्यूब के अपडेट आए हैं। तो ये अपडेट 7 फरवरी को 11:30 बजे रात को ये अपडेट आए हैं, तो ये यूट्यूब पर शायद ही पहली वीडियो होगी कि मैं अपडेट बताने जा रहा हूँ। तो गाइज बहुत ही अच्छे अपडेट आए हैं, आप सुनकर हैरान रह जाओगे कि क्योंकि ये व्यू और सब्सक्राइब बहुत ही अच्छे से गेन कर देगा, आपके चैनल को ग्रो कर देगा जल्दी, यूट्यूब बहुत ही अच्छा सोचने लग गया है अब। तो गाइज बहुत ही अच्छे अपडेट है, तो ये अपडेट देखने के लिए चैनल पर बने रहे और वीडियो को एंड तक आपको देखना होगा, क्योंकि बहुत ही अच्छे अपडेट है। अगर आपने थोड़ी सी भी स्किप कर दी तो आप 2 या 3 अपडेट से वाकिफ रह जाओगे, आप 2 या 3 अपडेट नहीं जान सकोगे। तो गाइज वीडियो को एंड तक जरूर देखना पड़ेगा। तो गाइज अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि जो भी नए अपडेट आते हैं मैं तुरंत उसके ऊपर वीडियो बना के यूट्यूब पर डाल देता हूँ। तो आप अगर ये ऐसे ऐसे अपडेट जानना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आप अपडेट वीडियो डालते ही आप वो वीडियो आप देख सके। तो चलिए गाइज करते हैं बिना टाइम वेस्ट करके वीडियो शुरू। तो चलिए गाइज करते हैं वीडियो शुरू, क्योंकि ये वीडियो मैं बना रहा हूँ रात को। आप बोलोगे कि रात को कैसे बना रहे, पीछे वाला बैकग्राउंड तो दिन का लग रहा है, लेकिन गाइज मैंने ग्रीन स्क्रीन यूज की हुई है, वो ग्रीन स्क्रीन के कारण पीछे वाला बैकग्राउंड मैंने दिन वाला जोड़ दिया इसमें। तो गाइज अभी मैं आपको 6 अपडेट बताने जा रहा हूँ, तो वीडियो पर बने रहिएगा। तो गाइज सबसे पहला अपडेट है कॉपीराइट क्लेम का, जो कि आप कोई भी वीडियो डालते थे या वीडियो के अंदर कोई भी सॉन्ग लगाते थे, कोई भी 30 सेकंड का सॉन्ग लगाते थे तो कॉपीराइट नहीं आता था, और अगर कोई भी 20 सेकंड का लगा दिया तब भी कॉपीराइट आ जाता था, तो पता नहीं लगता था कि कॉपीराइट से कैसे बचे। तो गाइज एक बहुत ही अच्छा अपडेट आया है, अगर आपने वीडियो डाल दी, वीडियो में कोई सॉन्ग डाल दिया 15 सेकंड का या 20 सेकंड का, उस पर कॉपीराइट आ गया तो उसको कैसे हटाएंगे कॉपीराइट क्लेम को। तो गाइज ये अपडेट आया है, जैसे कि हमारा यूट्यूब स्टूडियो होता है उसके अंदर जाएंगे, उसके अंदर जाने के बाद जो फिल्टर वाला ऑप्शन होता है उसमें ट्रिम वाला ऑप्शन होगा। अगर आप वीडियो अपलोड करते होगे तो आपको पता जरूर होगा, अगर आप नए हैं, नए क्रिएटर हैं, तो आप देख सकते हैं यूट्यूब पे कोई भी वीडियो कि जो यूट्यूब पे ट्रिम वाली एडिटिंग वाली ऑप्शन होती है वो कहाँ पर मिलेगी। तो गाइज उसके अंदर जाकर जो भी कॉपीराइट का हिस्सा होगा वो यूट्यूब अपने आप हटा देगा। तो गाइज ये बहुत ही बिग अपडेट है, पहला अपडेट। तो गाइज दूसरा अपडेट क्या है जो कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, दूसरा अपडेट ये है कि जो यूट्यूब स्टूडियो है वो जो भी नए चैनल बनाए हैं 2020 के अंदर, तो उसके अंदर जो भी एनालिटिक होता है वो 1 घंटे के अंदर ही उसकी अपडेट हो जाएगी, जो भी न्यू क्रिएटर है उसको ये बहुत ही बड़ा फायदा हुआ है। तो गाइज बात करते हैं तीसरे अपडेट की, तीसरा अपडेट क्या है। तो गाइज इसके ऊपर लिखा है तीसरा अपडेट मैंने कि जो भी अर्निंग कट की प्रॉब्लम थी या एडसेंस की प्रॉब्लम थी या फिर व्यू की प्रॉब्लम थी, व्यू बहुत कम आते थे, उनके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। तो गाइज ये बहुत ही अच्छे से अपडेट किया है यूट्यूब ने, तो ये गलती सुधारने की यूट्यूब ने बहुत ही अच्छी कोशिश की है। तो आज से आपकी अर्निंग कट नहीं होगी, होगी तो बहुत ही कम होगी, वरना बिल्कुल ही नहीं होगी। तो गाइज ये भी बहुत ही अच्छा अपडेट है, जो भी छोटे छोटे क्रिएटर थे उनकी बहुत ही कम सैलरी आती थी, सैलरी बोल सकते हैं एक प्रकार से हम इसको, बहुत ही कम अर्निंग होती थी वीडियो से, तो उनकी जो भी अर्निंग होती थी वो कट जाती, तो आज के बहुत ही कम कटेगी तो भी। तो गाइज ये भी बहुत ही अच्छा अपडेट लगा मुझे, बहुत ही खास अपडेट था। तो आगे अपडेट की बात करते हैं, 4th अपडेट इसमें दिया गया है कि चैनल पे पहले जिसने भी चैनल बनाए थे कोई भी गलत वीडियो चैनल पे अपलोड की थी तो उसका चैनल बंद होने वाला है, क्योंकि जो भी गलत वीडियो अपडेट करता था, जो भी कोपा वर्जन आया था, इसीलिए आया था कोपा वर्जन, जो भी था चिल्ड्रन के लिए था कि कोपा वर्जन में कि अंडर 18 या फिर ऊपर से 18 से ऊपर वाले जो भी बच्चे होते थे उनके लिए कोपा वर्जन आया था गलत वीडियो, ताकि वो ना देख सके। अब यूट्यूब का बहुत ही अच्छा अपडेट आया कि जो भी यूट्यूब पर गलत वीडियो डालेगा उसकी वीडियो तुरंत डिलीट हो जाएगी या फिर उसका चैनल ही बंद हो जाएगा। तो गाइस ये वाला अपडेट भी मुझे बहुत ही अच्छा अपडेट लगा। तो बाकी बात करते हैं 5वें अपडेट की, जो कि बहुत ही खास अपडेट है सबके लिए, 5वां अपडेट है वो सबके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जो भी एक फंक्शन था आईफोन के अंदर आता था, सबसे पहले वो वाला फंक्शन आईफोन के अंदर आता था कि हम जो भी वीडियो अपलोड करते थे वो वीडियो देखता था जिसके पास आईफोन होता, अगर वो हमारी वीडियो देखता, अगर वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता तब भी वो हमारी जो अगली आने वाली वीडियो वो रिकमेंडेड में जाती थी, क्योंकि वो उसने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उसके पास आईफोन है, उसने हमारी एक भी वीडियो देख ली, हम जब भी वीडियो डालेंगे उसके पास वीडियो जाएगी, नोटिफिकेशन तो नहीं जाएगी, केवल वीडियो ही जाएगी उसके पास, वो तब भी वीडियो देख लेगा क्योंकि उसके पास रिकमेंडेड में वीडियो आती थी, वो कोई भी यूट्यूब पे वीडियो देखता था तो हमारी वीडियो रिकमेंडेड में चली जाती थी। तो ये वाला अपडेट अब एंड्रॉयड के अंदर बहुत ही जल्द आने वाला है, जो भी अपडेट आएगा वो यूट्यूब का बहुत ही अच्छा आएगा, क्योंकि ये रिकमेंडेड वाला अपडेट मुझे बहुत ही बेहतरीन लगा।
क्योंकि जब भी हम वीडियो डालते हैं YouTube पे तो कोई भी वीडियो देखता है अगर वो सब्सक्राइब नहीं करता तब भी उसके पास वो हम नेक्स्ट वीडियो डालेंगे वो रिकमेंडेड में जरूर जाएगी चाहे वो कोई भी वीडियो देखे। तो गाइस इसका था पांचवा अपडेट। अब सिक्स्थ अपडेट की बात करता हूँ, जो कि सिक्स्थ अपडेट है वो भी बहुत ही बेहतरीन है। अगर आप यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करते हैं तो ये वाला आपको पता ही होगा, क्योंकि आप वीडियो अपलोड करते हैं डेस्कटॉप वर्जन को खोल कर तब वहाँ पर लिखा हुआ आता है कि जो ये यूट्यूब स्टूडियो है ये बहुत ही जल्द अपडेट होने वाला है इसका वर्जन, तो इसमें भी बहुत ही अच्छे अच्छे अपडेट आएंगे, तो वो अपडेट आते ही मैं आपको बता दूंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो में बहुत ही अच्छी अच्छी बनाऊंगा यूट्यूब के ऊपर कि चैनल और ज़्यादा कैसे ग्रो करें और फर्स्ट चैनल कैसे ग्रो करें। तो गाइस ये अपडेट आपको कैसे लगे आप कमेंट के अंदर जरूर बताइएगा, और इनमें से कौन सा अपडेट आपको बेहतरीन लगा वो पक्का मुझे इस कमेंट के अंदर बताइएगा। और अगर आपको और भी यूट्यूब के बारे में कुछ जानना है तो उसके ऊपर मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। तो धन्यवाद गाइस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। वंदे मातरम।